morning all. I hope you all are doing well. This is your maths class and our today's topic is introduction of shape triangle. Last हम अपना one shape पढ़ चुके हैं circle and this is our second shape triangle. Which shape is this? This is triangle and our second is concept long and short. First, I am giving you example of triangle. Look at this shape. Which shape is this? This is triangle. This is triangle. Triangle have three sides. How many sides? One, two, three, and three corners. One, two, three. One side, two side, three side, and corners. One corner, two corner, three corners. Triangle have three sides and three corner. Which shape is this? This is triangle. This is triangle. This is triangle box. This is triangle box. This one is also a triangle. क्या है ये? Triangle है. यहाँ पे जब हम different shape से triangle shape से भी एक small triangle से big triangle भी बना सकते हैं. This is the example. एक हमने small triangle रखा, then another. This is a big triangle. Small triangle से भी हम big triangles बना सकते हैं. And then after this our second topic concept long and short. The pencil is shorter than scale. Long means होता है बड़ा और short means होता है छोटा. हमारी pencil जो है वो scale से क्या है? छोटी है और scale हमारा pencil से बड़ा है. Now I'm giving you example. This is stick. This stick is longer than this one. ये वाली जो stick है हमारी वो बड़ी है किससे? ये हमारी second stick से. और हमारी second stick छोटी है किससे? हमारी first stick से. Second is scale and pencil. Our scale is longer than pencil. हमारा scale जो है वो pencil से क्या है? बड़ा है. और पेंसिल हमारी स्केल से छोटी है. नेक्स्ट इज ग्लू स्टिक एंड इरेजर. ग्लू स्टिक इज लॉन्गर और शॉर्टर देन इरेजर. ग्लू स्टिक जो है वो हमारी इरेजर से छोटी है या बड़ी है? क्या है? ऑब्वियसली ये बड़ी है तो दिस इज लॉन्गर देन इरेजर. ग्लू स्टिक इज लॉन्गर देन इरेजर एंड इरेजर इज शॉर्टर देन ग्लू स्टिक. शॉर्ट मीन क्या होता है? छोटा. लॉन्ग मीन्स बड़ा. अब इसकी आई होप आपकी ये समझ आ गया होगा. आफ्टर द लेक्चर नाउ दिस इज योर बुक वर्क. नाउ ओपन बुक पेज नंबर 62. हेयर इज योर वर्क ऑफ लॉन्गर एंड शॉर्टर. लुक एट द पिक्चर. दिस इज लैडर, स्केल एंड कैटरपिलर. द लैडर इज डैश देन द स्केल. यहाँ आपको क्या बताना है? हमारी लैडर जो है वो स्केल से लॉन्गर है या शॉर्टर है, मीन्स बड़ी है या छोटी है. स्केल से हमारी जो लैडर है वो बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, मीन्स लॉन्गर है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लॉन्गर. द लैडर इज लॉन्गर देन द स्केल. आफ्टर दिस कैटरपिलर इज डैश क्यूब्स लॉन्ग. कैटरपिलर हमारे कितने क्यूब्स लॉन्ग है? तो हम अपने क्यूब्स काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाउ मेनी क्यूब्स? 10 क्यूब्स. कैटरपिलर इज 10 क्यूब्स लॉन्ग. यहाँ आप लोग 10 राइट करेंगे. एंड देन सर्किल द थिंग्स लॉन्गर देन द हैंड. यहाँ पे आपको वो चीज़ें सर्किल करनी है
जो आपके हैंड से लॉन्ग होती हैं। अब आपकी वॉच है, सबसे पहले आप एक वॉच लेंगे, वॉच रखी आपने, अपने हैंड से उसको मेजर किया लाइक दिस। यहाँ मैं अपने हाथ से कर रही हूँ लेकिन आप लोग अपने हाथ से मेजर करेंगे। अब वॉच जो है वो क्या है, हैंड से लॉन्ग है, मींस बड़ी है, बड़ी है तो हम इसको सर्किल करेंगे लाइक दिस। सर्किल इसके बाद हमारा है हाइलाइटर। फिर आप कोई भी हाइलाइटर लिया आपने, अपने हैंड पे रखा और देखा, हाइलाइटर अगर आपके हैंड के बराबर है या हैंड से बड़ा है तो आप उसको सर्किल करेंगे, और अगर वो आपके हैंड से छोटा है तो आप उसको सर्किल नहीं करेंगे। अब टीचर के हैंड से तो हाइलाइटर छोटा है, हैंड बड़ा है, तो हम क्या है इसको सर्किल नहीं करेंगे। फिर आता है स्केल। स्केल का हमने मेजर किया, स्केल पर हैंड रखा, अब स्केल तो इतना लॉन्ग है तो हम स्केल को भी सर्किल करेंगे। जो चीज़ हमारे हाथ से लॉन्ग होगी मीन्स हमारे हाथ से बड़ी होगी तो हम उसको सर्किल करेंगे, और अगर छोटी होगी तो सर्किल नहीं करेंगे। स्केल के बाद हमारे पास क्या है, बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट हमने हैंड पे रखा, बॉल पॉइंट भी छोटा है, टीचर के हैंड से तो छोटा है लेकिन अगर आपके हैंड से बड़ा है तो आप बॉल पॉइंट को भी सर्किल करेंगे। एंड देन लास्ट इज़ इरेजर। इरेजर तो होती छोटी है, वो तो आपके हैंड से भी छोटी होगी तो हम इरेजर को सर्किल नहीं करेंगे। आफ्टर दिस ओपन बुक पेज नंबर 94 एंड 95। अभी हमने बोर्ड पे कौन सा शेप पढ़ा है, ट्राइंगल। विच शेप इज़ दिस, दिस इज़ ट्राइंगल। यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर करना है, ट्राइंगल में कलर्स करने, जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो कलर कर सकते हैं। एंड देन मैच एंड कलर। अब आपको ये पिक्चर देखनी है, जो पिक्चर हमारी ट्राइंगल शेप में होगी उसको हम ट्राइंगल से मैच करेंगे और फिर उसमें कलरिंग करेंगे। ट्रेन, ट्रेन का शेप ट्राइंगल शेप है, नो। केक, केक का ट्राइंगल शेप है, नो। दिस वन इज ट्राइंगल्स, यस देयर आर लॉट्स ऑफ ट्राइंगल्स, वी मैच विद शेप। इसको हम ट्राइंगल शेप से मैच करेंगे और इसमें कलरिंग करेंगे। एंड देन बैट, बैट का ट्राइंगल शेप है, नो, तो हम इसको भी मैच नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड योर ऑल वर्क। डू द वर्क नीट एंड क्लीन। विल बी मीट सून आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन।